सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी जो WBA क्लासेस हैं, जो आपकी वर्कशॉप है, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी सभी शिक्षकों को। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें और इत्मीनान से समझें। यहां मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। अब आप सोचेंगे ये हम जानते हैं, इसके बारे में जरूरी नहीं है जानना, तो ये आप गलती ना करें। फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन एक सही फॉर्मेट में आपको यहाँ पर चीज़ें करनी होंगी। जब हम WBA की बात करते हैं तो ये आप समझ लें, यहाँ पर आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ। WBA के पूरे सेशन में हर दिन जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था इससे पहले के वीडियो में, हर दिन आपको WBA में लेसन प्लान की बहुत आवश्यकता होगी, पाठ योजना की। हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपके पास होना चाहिए, उसी को लेकर आपको प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर करने होंगे। तो ये हर दिन कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक होगा, तो आपको सही फॉर्मेट यहां पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देख लें यहाँ पर और समझ लें एक एक चीज़। मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेट ऑफ जनरल लेसन प्लान। तो ये पहले एक फॉर्मेट बताया गया है जिसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये फॉर्मेट देख लें यहाँ पर, आपको इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको हिंदी में एक एक पॉइंट को। तो टेबल फॉर्मेट में भी है, तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं ABCD में जो दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिया गया है नेम यानी कि नाम। नाम आप जब लिखेंगे तो आपका खुद का नाम, स्कूल का नाम आपको लिखना होगा, आपके स्कूल का नाम, डेट जिस डेट पर जिस तारीख पर आप लेक्चर देने वाले हैं, और क्लास जिस क्लास के लिए आप देने वाले हैं, ये किस सब्जेक्ट पर देने वाले हैं, पांचवें नंबर पर सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का ये लेक्चर है और किस टॉपिक को आप ले रहे हैं, छठवें नंबर पर टॉपिक है यहाँ पे। सातवें नंबर पर है टीचिंग पॉइंट्स यानी कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना जो आप उस पाठ योजना के दौरान, उस पाठ को पढ़ाने के दौरान, उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान महत्वपूर्ण मानते हैं। आठवें नंबर पर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि उस पाठ को सिखाने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी क्या सीख पाएंगे, स्टूडेंट्स को क्या सीखने मिलेगा, यानी लर्निंग आउटकम उसके क्या होंगे, तो ये आपको एडवांस में बताना है यहाँ। नाइन नंबर पे है प्रीवियस नॉलेज, तो इसमें ये भी बताना होगा कि उस टॉपिक को पढ़ाने के संबंध में क्या ज्ञान पहले से होना चाहिए स्टूडेंट को। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ कि मैं, अगर आप जोड़ना सिखा रहे हैं दो नंबरों को, तो बच्चों को अंकों के बारे में ज्ञान पहले से होना चाहिए। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पढ़ाते समय क्या प्रीवियस ज्ञान की, पहले की नॉलेज की आवश्यकता है, वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दसवें नंबर पर है लर्निंग रिसोर्सेज, कौन कौन से सामग्री आप इस्तेमाल करेंगे, अधिगम सामग्री, लर्निंग मटेरियल आपका इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ बताना होगा। उसके बाद आएगा लर्निंग प्रोसेस यानी कि स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, 11 नंबर पर है ये, कौन सी मेथड, कौन सी टेक्निक, डिडक्टिव है, इंक्वायरी मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये सब आपने NIOS के 501, 502, 503 में पढ़ी हैं, तो कौन सी मेथड के जरिए आप यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को, ये आपको बताना होगा। इंट्रोडक्शन आफ्टर जो सारी पहले की नॉलेज है और सारे तरीके आजमाने के बाद आपको एक लेसन का इंट्रोडक्शन देना होगा जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें कि किस तरह से हम आगे उसमें बढ़ने वाले हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन 13 नंबर पर, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के बाद अपनी प्रेजेंटेशन, अपने मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे करेंगे, एक अच्छा अप्रोप्रिएट एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप कैसे सिखाएंगे, वो यहाँ पर आपको डिटेल में बताना होगा। उसके बाद है कंटिन्यूअस रेगुलर लर्निंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये आएगा। और ब्लैक बोर्ड समरी यानी कि ब्लैक बोर्ड पर आप क्या क्या चीज़ों को लिखकर बताएंगे, क्या क्या चीज़ों को समरी, क्या उनका सारांश आप बच्चों को बताएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उस टॉपिक के बारे में। इवेल्युएशन 14 नंबर पर है, किस तरह से उसका आकलन किया जाएगा क्लासरूम में उन सारी चीज़ों का जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। होम असाइनमेंट यहाँ पर आप उसके लिए क्या देने वाले हैं, तो होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य उसके लिए क्या देने वाले हैं, वो भी आपको बताना होगा। 15 नंबर पर आपको दिया गया है रेफरेंस यानी कि कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सा मटेरियल आप इसके लिए रेफर करेंगे इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उस विषय को पढ़ाने के लिए, उस पार्ट को पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसको बताता हूँ, एक उदाहरण आपको पेश करूँगा यहाँ पर। ये आपके खुद के स्टडी मटेरियल NIOS का जो स्टडी मटेरियल है उसको लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि पाठ योजना आप आखिर तैयार प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं।
तो ये उदाहरण देखिए, ये आपकी मैंने एक यूनिट ली है आपके कोर्स 503 की इकाई एक है, ये भाषा क्या है। तो इस यूनिट को देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देकर स्टार्ट किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं इस यूनिट के बारे में, इस लेसन के बारे में। तो ऐसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ये आपके फॉर्मेट में दिया भी गया है। उसके बाद आप अधिगम उद्देश्य लिखेंगे, यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होंगे आपके। तो वहाँ पर आप ये लर्निंग आउटकम देखेंगे कि आप इस पार्ट के जरिए क्या सीख पाएंगे जब आप इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, लर्निंग आउटकम आपके क्या होंगे। तो ये पॉइंट भी आपके फॉर्मेट में दिया गया है लेसन प्लान के। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, MCQs हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न हो सकते हैं। तो आप भी किस तरह से अपने पाठ को या टॉपिक को पढ़ाते समय उसमें कौन सी अप्रोच अपनाएंगे, या आप हर टॉपिक के बाद आप प्रश्न देंगे या आखिर में आप प्रश्न देने की पद्धति रखेंगे, तो ये आप अपने ही अपने अनुसार बता सकते हैं, अपने विषय को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, जब आप करेंगे WBA में ये चीज़ तैयार करेंगे अपना लेसन प्लान। इसमें इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको आखिर में मिलेगा एक सारांश। देखिए इन्होंने आखिरी में सारांश लिखा है, तो आप ऐसे आप बता सकते हैं, आप अपने सारांश लिख सकते हैं यूनिट का, लेसन का। उसके बाद कौन सी किताबें आपने इस्तेमाल की हैं, कौन सी बुक्स रेफर की हैं वो लिख सकते हैं। और आखिरी में इकाई अभ्यास दिया गया है जिसे आप होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य के तौर पर दे सकते हैं। तो एक तरह से कंप्लीट लेसन प्लान ही है जो हर यूनिट का बताया गया है, और इसी तरह से आप किसी भी विषय का लेसन प्लान, किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल आंसर, सिंपल फॉर्मेट, सिंपल एग्जांपल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भी मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो और इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करता रहूंगा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए इन वीडियोज़ को, और घंटी के आइकन को सभी ज़रूर प्रेस करें जिससे हर अपडेट आपको ज़रूर मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।